नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, जिस एग्जाम में साइंस आती हो, कोई भी एग्जाम हो पूरे भारत देश में, चाहे किसी स्टेट में एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो पूरे भारत देश में, सभी एग्जाम्स के लिए जिस एग्जाम में साइंस आते हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलेगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आमनियाटिक द्रव में तैरता रहता है गर्भाशय में मानव भ्रूण, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेली क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए, सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। प्रत्येक क्लास में टॉप क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हमारे सभी क्लास होती हैं। देखिए शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये फिजियोलॉजी कहलाता है, फिजियोलॉजी। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट, तो ये बना होता है दोस्तों टंगस्टन का, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टंगस्टन। नेक्स्ट देखिए, गति प्रेरक का संबंध किससे है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गति प्रेरक का संबंध है हृदय से, हृदय से है दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिर्च में लाल रंग किसके कारण से होता है, तो मिर्च में लाल रंग किस कारण से होता है, तो ये कैप्सेथिन के कारण होता है, मिर्च में लाल रंग पूछा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बादाम में कड़वाहट किसके कारण से होता है, दोस्तों कड़वाहट होता है एमाइलिडिन के कारण, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, किस धातु का उपयोग किया, तांबा का उपयोग किया, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तांबा। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेलाकाइट किसका एक अयस्क है, खनिज है, किसका है, कॉपर का अयस्क है मेलाकाइट, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, कार्नबर्ग ने, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कार्नबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, पलोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें, तो ये किया था मैक्लिंटॉक ने, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक हैं लेमार्क, लेमार्क हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एम्पिसिलिन दवाई है, कैसी दवाई है एम्पिसिलिन, तो ये दोस्तों प्रतिजैविक है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रतिजैविक। नेक्स्ट देखिए, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, जवरनाशी का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वायु जनित रोगों का समूह इनमें से कौन सा है, वायु जनित रोग सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया, ये सभी हैं वायु जनित रोग, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का स्रोत बताएगा दोस्तों क्या है, पेनिसिलिन का स्रोत है कवक, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु किस प्रकार विषाणु प्रकार के द्वारा होता है, तो याद रखना H5N1 के द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात DPT का टीका लगाया जाता है, कितने समय के बाद, 6 सप्ताह के बाद, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 6 सप्ताह। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी कौन सा है, बताइए मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी है मादा एनाफिलीज, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक करें, शेयर नहीं क्या शेयर कर देंगे। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए प्रतिरक्षण तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था, किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किया था, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन है, कौन है, हाइनेमैन, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए निद्रा रोग फैलाती है, कौन फैलाती है निद्रा रोग, सीसी मक्खी फैलाती है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, इनमें से कौन उपयोगी नहीं है, फीताकर्मी उपयोगी नहीं है, मधुमक्खी केचुआ और रेशम कीट ये सभी उपयोगी है मानव के लिए, तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट इनमें से किसके अधपकी मांस खाने से फीताकर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है, तो किसका अधपका मांस खाने से पहुंचता है, सुअर का मांस खाने से, किसका, सुअर का, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एस्केरिस के द्वारा एस्केरियसिस नामक रोग उत्पन्न होता है मनुष्य के शरीर में, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है डेविल फिश के नाम से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो याद रखना डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है, ऑक्टोपस को जानते हैं डेविल फिश के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टोपस है एक, क्या है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस है एक मृदुकवची है ऑक्टोपस, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है दोस्तों कितनी, 8 होती है ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन मछली नहीं है, इनमें से कौन एक मछली नहीं है, तो स्टारफिश एक मछली नहीं है, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो किस में यूरिया बनाते हैं स्तनधारी, यकृत में, लीवर में यूरिया बनाते हैं, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, दोस्तों स्पीड क्लास से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन, रिवीजन क्लास, डेली आइए तैयारी को मजबूत बनाइए, टॉप क्वेश्चंस के साथ क्लास रहती है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हम डेली कवर करवा रहे हैं, तो प्लीज डेली आइए तैयारी को मजबूत बनाइए। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट मनुष्य में रुद्र क्षमता है, मनुष्य में रुद्र क्षमता है, किस में क्षमता है, बोमन संपुट में क्षमता है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बोमन संपुट। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का पीला रंग होता है, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है दोस्तों, नेफ्रोन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नेफ्रोन। नेक्स्ट है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा, डायलिसिस पर कार्य करता है, डायलिसिस, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डायलिसिस। नेक्स्ट है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है,
कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है दोस्तों मोनाजाइट बालू में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थोरियम। नेक्स्ट है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत में, कहाँ है? भारत में है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केरल में समुद्र तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है केरल में? रेडियम। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है दोस्तों। कार्नोटाइट किसका है? यूरेनियम का। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूरेनिनाइट किसका एक अयस्क है, खनिज है? किसका है दोस्तों? याद रखना, यूरेनिनाइट है यूरेनियम का खनिज अयस्क। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यूरेनियम। नेक्स्ट है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से प्राप्त किया जाता है रेडियम? पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पिच ब्लेंड। नेक्स्ट है, पिच ब्लेंड का संबंध किससे है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिच ब्लेंड का संबंध है यूरेनियम से। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, जबरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है दोस्तों? यूरेनियम से संबंधित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में दर्द महसूस नहीं होगा, यानी किस अंग में दर्द महसूस नहीं होगा सुई चुभने पर? तो ये मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस में बनता है दोस्तों? मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब? तो ये बनता है कहां? दृष्टि पटल में बनता है, दृष्टि पटल। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? किस प्रणाली का अंग है दोस्तों? एक्सक्रीशन प्रणाली का। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता, किस कारण से नहीं रोक सकता? ये आंत की ऐच्छिक प्रकृति के कारण नहीं रोक सकता कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आंत की ऐच्छिक प्रकृति। नेक्स्ट है, अस्थि मैट्रिक्स इससे समृद्ध इसमें समृद्ध होती है, किससे समृद्ध होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविज अराइज। ओविज अराइज भेड़ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसफरोका डोमेस्टिका। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? सुसफरोका डोमेस्टिका। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्न होती हैं, तो कैसी होती हैं दोस्तों? ऐच्छिक पेशी होती हैं भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऐच्छिक पेशी। नेक्स्ट है, पेशी अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेशी अस्थि से केवल कंडरा द्वारा संयोजित होती है, केवल कंडरा के द्वारा। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन के लिए उत्तरदायी है कौन? उत्तरदायी है मनुष्य में ध्वनि के उत्पादन के लिए कंठ उत्तरदायी है, कंठ। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, वृक्कों की निस्पंदन इकाई क्या कहलाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वृक्काणु कहलाती है वृक्कों की निस्पंदन इकाई। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मूत्र में।
ठीक है। नेक्स्ट है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है अपोहन का प्रयोग? तो ये वृक की क्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव वृक स्मृति में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट है दोस्तों मानव वृक स्मृति में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हेनले के लूप का कार्य संबंधित है, किससे संबंधित है हेनले के कार्य, हेनले के लूप का कार्य? तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, किससे है? उत्सर्जन तंत्र से। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्यतः निषेचन होता है, किस में होता है दोस्तों? सामान्यतः निषेचन डिम्बवाहिनी नली में होता है, किस में होता है? डिम्बवाहिनी नली में होता है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डिम्बवाहिनी नली। नेक्स्ट है, मीनामाता रोग का कारण क्या है, क्या है पारा? मीनामाता रोग का कारण है, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, पारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, तो किस में होती है धात्विक चमक? तो ये होती है आयोडीन में, आयोडीन में होती है दोस्तों धात्विक चमक। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, इनमें से किसने की थी भारी पानी की खोज? तो ये एच सी यूरे ने की थी दोस्तों, एच सी यूरे। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, तो कौन सा रोग फैलता है वायु के माध्यम से? प्लेग फैलता है दोस्तों, कौन सा फैलता है? प्लेग। देखिए नेक्स्ट है, शरीर का ढांचा किस तत्व द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये ऑटो ग्रंथि है दोस्तों, कौन सी? ऑटो ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी? तो ये टांग में पाई जाती है दोस्तों, किसमें पाई जाती है? टांग में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टांग। नेक्स्ट है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5, 4.5। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोडा का पीएच मान कितना होता है, सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है दोस्तों सोडा का पीएच मान। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कॉर्निया किसका भाग है, कॉर्निया किसका भाग है? आंख का भाग है कॉर्निया। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आंख। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, किस में होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि? तो ये जबड़े में होती है, सबसे लंबी जांग में होती है फीमर, ठीक है, और सबसे छोटी कान में होती है जिसका नाम है स्टेपिज, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है, डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए और क्लास को कंप्लीट अटेम्प्ट किया करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, गारंटी से कहता हूँ। अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास में आएंगे और क्लास को कंप्लीट अटेंड करेंगे, गारंटी से कहता हूँ आपका सिलेक्शन होगा 100%। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है दोस्तों, यकृत में जमा होता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, किस में? टांग में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस, ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरण का वैज्ञानिक नाम सर्वस एलाफस, ये हिरण का वैज्ञानिक नाम है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, तमाकू मोजाइक का अभिकर्ता है, तो कौन है? तमाकू मोजाइक का अभिकर्ता, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विषाणु है दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी लीवर के सिरोसिस की नैदानिक त्वचा अभिव्यक्ति है? तो लीवर के सिरोसिस की नैदानिक त्वचा अभिव्यक्ति पूछा है, तो ये हथेली त्वक रक्तिमा है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हथेली त्वक रक्तिमा। नेक्स्ट, यदि गुर्दे की गंभीर चोट वाला रोगी एसी संनमक या इनहिबिटर्स लेता है, तब नर्स को सावधानी से किस स्तर पर देना चाहिए? तो यह है सीरम पोटेशियम स्तर पर देना चाहिए। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोज को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, पेशी का अत्यधिक खिंचाव, इसका संपट आच्छाद्य कंडरा द्वारा परिभाषित किया जाता है मोज को, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रानीखेत कैसा रोग है? ये दोस्तों विषाणु रोग है, रानीखेत विषाणु जनित रोग है, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एच सी वी का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है एच सी वी की? तो हैवी कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल, यानी बी ऑप्शन रहेगा, सॉरी हैवी कमर्शियल, हाँ ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हैवी कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट है, जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रियारोधी निम्नलिखित में से चुनिए। तो अमाशय में अम्ल, यह है शरीर क्रियारोधी, जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अमाशय में अम्ल। देखिए, खसरा और रुबेला किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो खसरा और रुबेला विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट है, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण है, देखिए हर एग्जाम में जो मानव रोग हैं, एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस एग्जाम में साइंस ज्यादा आती है उस एग्जाम में दो क्वेश्चन तो कम से कम रोग से पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो आपके एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन इस यानी रोग टॉपिक से पूछे जाएंगे 100%। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं से होने वाला रोग है? जीवाणुओं से होने वाला रोग है सुजाक रोग, इनमें से, ठीक है, गोनेरिया, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक डिमेंशिया का लक्षण है, तो डिमेंशिया का लक्षण इनमें से क्या है? स्मृति में हानि, ये डिमेंशिया का लक्षण है दोस्तों, याददाश्त कमजोर होना, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की जो हड्डी है ये सबसे लंबी होती है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी कैसी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी होती है खोखली, कैसी होती है? खोखली होती है दोस्तों, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जी हाँ दोस्तों, डेली क्लास में ये फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप डेली गुरुकुल एकेडमी पर, अगर आप डेली गुरुकुल एकेडमी पर क्लास लेते हैं, गारंटी से कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पूरा जो सिलेबस है यहाँ कवर करवाया जा रहा है धीरे धीरे, और सभी क्वेश्चन दोस्तों गुरुकुल अकेडमी की क्लास से ही आएंगे, और सभी क्लास फ्री हैं, ठीक है। देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 300, कितनी? 300 होती है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं, ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य में कुल। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्र से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक लिंग सहलग्न रोग है। कौन सा इनमें से लिंग सहलग्न रोग है? वर्णांधता। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से एक अनुवांशिकी रोग नहीं है। देखिए हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, हाइपरट्राइकोसिस अनुवांशिक रोग है, मस्तिष्क जवर अनुवांशिक रोग नहीं है, और थैलेसीमिया क्या है? अनुवांशिक रोग है। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोदरी होने का कारण क्या है? दोस्तों बोदरी विषैले तत्वों से होता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विषैले तत्वों से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी कैसी है? ये फेफड़ों की टीबी है दोस्तों। ठीक है, तपेदिक। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीका जो मोती झारा से सुरक्षा प्रदान करता है, टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सा है? टैब, TAB। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो याद रखना मनुष्य की आंख का वजन होता है 8 ग्राम, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 8 ग्राम। नेक्स्ट है, देखिए मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मनुष्य की आंखें होती हैं 576 मेगापिक्सल की। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 576 मेगापिक्सल, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें, पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। रोजाना क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।